यूपी के बुलंदशहर से एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है। दरअसल क्लासरूम में बैठे करीब आधा दर्जन बच्चे अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच में जुटी हुई है। बुलंदशहर से उदय यादव, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। करीब 5-6 बच्चे बेहोश हुए हैं। यहाँ पर आसपास जो फैक्ट्री एरिया है, तो उसके जहरीली गैस निकलने की वजह से बच्चे बेहोश हो रहे हैं। आज ही निकली है, पहले से ही लगातार चल रहा है, पर एक हफ्ते से एक दो बजे आज थोड़े 5-6 बच्चे गिर गए। शिकायत एक आध बार पहले की थी? हाँ, मतलब ये एक हफ्ते से चल रहा है। प्रेयर में एक दो बच्चा गिर रहा था, तो हमें नॉर्मल लगा कि घर से खाना खा के नहीं आए, लेकिन आज ज्यादा हुआ है, तो हमने चीज पे ध्यान दिया ज्यादा। आज सवेरे प्रार्थना के दौरान कुछ बच्चे बेहोश होने की शिकायत प्राप्त हुई थी, बच्चे तुरंत ठीक हो गए थे। SDM भी मौके पर है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी मैंने भेजा है, वहाँ हम लोग सैंपलिंग भी करा रहे हैं। और अगर कोई ऐसी भी चीज़ होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया के पास का स्कूल है प्रथम देश का, तो SDM ने बताया कि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी सैंपलिंग कराई जा रही है, और जो भी रिजल्ट आएगा तदनुसार कार्रवाई होगी।